पटेल का मोदी सरकार पर हमला बताया तानाशाह। कांग्रेस स्थापना दिवस पर बोले थे हार्दिक पटेल, हमारे पूर्वज लड़े थे गोरे अंग्रेजों से और हम लड़ेंगे काले अंग्रेजों से। किसान नेताओं और सरकार के बीच आज सातवें दौर की वार्ता। किसान कानून रद्द कराने पर अड़े, सरकार का कानून रद्द करने से इनकार। MSP की गारंटी देने को तैयार हुई मोदी सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने माना चीन से बातचीत का नहीं हुआ कोई असर, मई से चीन के साथ चल रहा है तनाव। कल ही वायुसेना प्रमुख ने चीन पर दी थी कड़ी प्रतिक्रिया। इंदौर में राम मंदिर निर्माण को लेकर हो रही रैली पर असामाजिक तत्वों ने किया पथराव, पुलिस ने मामले को दर्ज करके 27 लोगों को किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी, कई लोग हुए घायल। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में पुरानी रंजिश के चलते कांग्रेस नेता उसके भतीजे के हत्या, परिजनों ने आरोपियों के घर वालों को जिंदा जलाने का किया प्रयास, पुलिस ने मामले को किया दर्ज, अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। पीएम मोदी कल गुजरात को देंगे बड़ा तोहफा, राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का बनेगा अस्पताल, 102 एकड़ में 1195 करोड़ की कीमत से बनेगा अस्पताल। बलूच एक्टिविस्ट करीमा बलोच की हत्या के विरोध में अमेरिका में प्रदर्शन, न्याय देने की मांग, हत्या के पीछे पाकिस्तान और चीन की साजिश का हाथ। जो बाइडेन अमेरिका में वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर प्रशासन पर साधा निशाना, बोले इस तरह चलेगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो कई साल लग जाएंगे सबको वैक्सीन देने में। गणेश नाइक ने मुंबई मनपा के स्वच्छता अभियान पर उठाया सवाल, बोले सिर्फ पुरस्कारों के लिए ना हो स्वच्छता बल्कि शहर की गलियों में नजर आनी चाहिए स्वच्छता। नवीन गौतम ने गणेश नाइक की पीठ में छुरा घोप कर थामा शिवसेना का हाथ, दोपहर तक थे गणेश नाइक के साथ, शाम को उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में ज्वाइन की शिवसेना, अवैध निर्माण को चल रहे मामले से बचने के लिए शिवसेना का दामन थामने का आरोप। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।